वैसे तो इंडिया में पाकिस्तानी टीवी शोज काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इन शोज में पाकिस्तानी एक्ट्रेस कई ज्यादा संस्कारी दिखाई जाती हैं। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काम पाने के लिए खूबसूरत पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में कई मर्दों के साथ रातें रंगीन की हैं। दोस्तों, इन एक्ट्रेसेस में सबसे पहले नाम आता है महविश हयात का। ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस में से एक है। महविश को पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन महविश को ये पॉपुलैरिटी एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्हें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ी थी। उनकी कामयाबी में उनकी मेहनत से ज्यादा उनके लव अफेयर का हाथ रहा है, क्योंकि जब महविश इंडस्ट्री में नई आई थी तब उन्हें बड़ी मुश्किलों से कोई काम मिलता था, और वो अपने शुरुआती दिनों में छोटे छोटे रोलों में नजर आती थी, जिसके बाद एक फिल्म में उन्हें एक आइटम नंबर करने का मौका मिला, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान पागल हो उठा। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुंबई से भागकर पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम महविश को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद दाऊद ने महविश को खुश करने के लिए ऐलान कर दिया था कि जो भी महविश को अपनी फिल्म में एज अ फीमेल लीड कास्ट करेगा उसे वो फिल्म दाऊद खुद फाइनेंस करेंगे। जिसके बाद महविश के सामने पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ही झुक गई और महविश रातों रात सुपरस्टार बन गई। और जब दोनों कई सालों तक चोरी छिपके मिलते रहे, ऐसा कई सालों तक होता रहा, जिसके बाद महविश ने इमरान खान को अपना अगला शिकार बना लिया। अपनी प्लेबॉय इमेज के लिए बदनाम इमरान तब तक 3 शादियां कर चुके थे, इसके बाद भी वो महविश को दिल दे बैठे। कहते हैं इमरान अक्सर महविश से मिला करते थे और अपनी थकान मिटाया करते थे, और इसी का नतीजा था कि इमरान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इसके अगले ही साल महविश को तमगा इम्तियाज अवार्ड दिया गया, जो पाकिस्तान में दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब इसके बाद आती है हानिया आमिर। हानिया को लोग उनके मासूम चेहरे और शानदार एक्टिंग के लिए जानते हैं। हानिया एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसलिए जब भी वो कोई कैरेक्टर प्ले करती हैं तो लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन हानिया की इस पॉपुलैरिटी का भी एक काला सच है दोस्तों, जिसका खुलासा खुद हानिया ने किया था। साल 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, तब एक मीडिया इंटरव्यू में हानिया ने बताया था कि जब वो टीवी इंडस्ट्री में नई आई थी तो इंडस्ट्री के जाने माने लोग उन्हें काम देने के बदले उनके साथ रंगरलियां मनाना चाहते थे, और वो बहुत वक्त तक इन सब से बचती रही। लेकिन जब इंडस्ट्री से उन्हें काम मिलना बंद हो गया तब उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा। अब बारी आती है आयशा उमर। आयशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। वैसे तो आयशा का कॉन्ट्रोवर्सी से रिश्ता बहुत पुराना है, और आए दिन वो ऐसा कुछ करती रहती हैं कि लोग उन्हें भूल ही नहीं पाते। लेकिन आयशा को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर नौमान एजाज के शो में बताया था कि कैसे जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें काम देने के बदले उन्हें होटल के कमरे में आने के लिए कहते थे, और काम के लालच में उन्हें वो सब करना पड़ा। लेकिन खुद को पाक साफ बताने वाली आयशा ये भूल गई कि जब वो दूसरों पर उंगली उठा रही थी तब वो खुद अपनी हरकतों से टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का घर बर्बाद करने में लगी हुई हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आयशा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की कुछ हॉट फोटोज सामने आई थी, जिसमें वो शोएब मलिक के साथ पूल में नजर आ रही थी। दोनों की फोटोज इतनी हॉट थी कि लोग ये कहने लगे हैं कि शोएब जल्द ही सानिया को तलाक देकर आयशा से शादी करने वाले हैं। अलग ही बात में आयशा ने इसे सिर्फ एक प्रोफेशनल फोटो शूट बताया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये दावा किया जाता है कि आयशा आज भी सबसे बचकर शोएब से मिलती हैं। मीशा शफी। दोस्तों, फेमस सिंगर और एक्टर मीशा शफी को इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। मीशा ने साल 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। खैर, 2007 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली मीशा आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सिंगर, एक्टर और मॉडल में से एक हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कई सारे पॉपुलर सॉन्ग दिए हैं, और लोगों के बीच उनकी इमेज अपनी बात खुलकर रखने वाली एक्ट्रेस के तौर पर है, इसलिए वो आए दिन किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ी जाती है। लेकिन जब साल 2018 में उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया, मीशा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया था कि कैसे एक पॉपुलर सिंगर होने के बाद भी अली जफर ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उनका हैरेसमेंट किया है और वो कुछ नहीं कर पाई थी। हुमैमा मलिक। दोस्तों, साल 2014 में इमरान हाशमी की फिल्म राजन अटवरलाल में उन्हें इमरान के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करके रातों रात पॉपुलर बना दिया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैमा मलिक पाकिस्तान में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन हुमैमा को भी अपने करियर में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। हुमैमा ने साल 2022 में अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया कि कैसे पाकिस्तान के निशत होटल के होटल मैनेजमेंट में काम करने वाले दो लोगों ने उनके साथ मोलेस्ट करने की कोशिश की थी और हुमैमा को गंदे गंदे मैसेज सेंड किए थे। सबा बुखारी। सबा बुखारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनगिनी चुनी एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में खुद को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया है, लेकिन उन्हें भी अपने शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। सबा ने साल 2022 में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया था कि जब वो अपने पहले सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं की शूटिंग के दौरान दूसरे शो के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें काम देने के बदले डिमांड ऑफर की थी। पहले तो सबा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब प्रोड्यूसर ने सबा को अपने साथ रात गुजारने के लिए कहा तब वो डर गई और फोन कट कर दिया था। पर अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सबा ही जाने। तो ये थी पाकिस्तान की वो खूबसूरत एक्ट्रेसेस जिन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अपनी खूबसूरती और बॉडी की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से है कि चाहे बॉलीवुड हो या फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्या एक्ट्रेसेस का ऐसा करना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।